दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। शराब घोटाले में पहली और सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर गिरफ्तार किया गया, उसे शराब घोटाले का आरोपी नंबर 5 है। सीबीआई ने दिल्ली से ही ट्रेडर विजय नायर को गिरफ्तार किया है। अतुल भाटिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अतुल, क्या ताजा अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, विजय नायर की गिरफ्तारी जो है वो सीबीआई ने की। हम आपको बता दें कि जो विजय नायर है वो ओनली मच लाउडर जो कंपनी थी, ओनली मच लाउडर एंटरटेनमेंट कंपनी, उसके फॉर्मर सीईओ थे। और जिस तरीके से गिरफ्तारी विजय नायर की गई है, पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था और उसके बाद पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। विजय नायर जो है वो आरोपी नंबर 5 थे, जो सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसके अंदर 5वें नंबर के आरोपी थे। कुल 15 आरोपी सीबीआई ने इस पूरे मामले के अंदर बनाए थे, जो दिल्ली आबकारी नीति थे, और उसमें 5वें जो एक्यूज थे वो विजय नायर थे। उनकी गिरफ्तारी अब जो है वो सीबीआई ने की है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ में जब बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी देर शाम की गई है। तो विजय नायर की गिरफ्तारी जो है वो इस समय सीबीआई ने कर ली और सीबीआई का कहना है कि उनसे पूछताछ की जा रही है। विजय नायर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ये शख्स वो है, पेशे से ट्रेडर है, कई स्टैंड अप कॉमेडियंस को इसने शामिल करवाया था आम आदमी पार्टी में, और कहा यह भी जा रहा था जब पूछा गया तो विदेश अपने काम के सिलसिले से गया है। कुछ जरा और डिटेल्स बताइए। देखिए, विजय नायर जो है वो आम आदमी पार्टी के काफी करीबी माना जाता है और जिस तरीके से सीबीआई ने इसको गिरफ्तार किया, हम आपको बता दें पंकज की जब ईडी ने विजय नायर के यहाँ गिरफ्तारी की गई थी तो एक जो विजय नायर के यहाँ जब रेड की गई थी तो आम आदमी पार्टी के 2 नेता भी वहां पर बैठे हुए थे, इसका खुलासा भी सीबीआई ने किया है। और जिस तरीके से विजय नायर की पूरी जो कुंडली सीबीआई ने खंगाली थी, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसी पूछताछ के बाद विजय नायर की गिरफ्तारी जो है वो सीबीआई ने की है। काफी अहम यह गिरफ्तारी है क्योंकि 15 एक्यूज सीबीआई ने बनाए थे और उसमें ये गिरफ्तारी विजय नायर की गई है। माना यह जा रहा है पंकज कि आने वाले समय में सीबीआई इस पूरे मामले के अंदर कुछ और गिरफ्तारियां भी कर सकती है। ईडी बिल्कुल हमारे साथ भास्कर भी जुड़ रहे हैं। अतुल, मैं लौटूंगा आपके पास। भास्कर, आपके पास क्या ताजा अपडेट? विजय नायर को गिरफ्तार किया है और अब सीबीआई कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है? बिल्कुल, देखिए कई लोगों की गिरफ्तारी संभव है इस मामले में। शुरू से ही ये कहा जा रहा है, विजय नायर की पहली गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी के करीबियों की जो बात की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि उनके करीबी लोगों ने ये सब कुछ खेल किया है, जो आरोप लगा था विजय नायर के ऊपर में वो ये कि पॉलिसी मेकिंग में इनका हाथ था और इसके साथ साथ जो एफआईआर के हिसाब से है कि जो पैसे का खेल हो रहा था उसमें भी ये संलिप्त, दो ये आरोप लगा था। विजय नायर आम आदमी पार्टी के करीबी व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया पूरा देखते हैं वो, मीडिया मैनेजमेंट देखते हैं वो, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। सीबीआई की टीम जब गई थी तो दिल्ली के एक विधायक विजय नायर के घर पर मिले थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन इतना भी तय मानिए कि आम आदमी पार्टी को इसका अंदाज़ा था क्यों गिरफ्तारी होगी और वो लोग तैयार थे। लगातार 5 से 6 दिन से उनको बुला के पूछताछ की जा रही थी सीबीआई के द्वारा और अभी से कुछ देर पहले ऑफिशियली विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। जरा भास्कर, विजय नायर के बारे में बताइए, किन किन का करीबी है, कैसे आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ? और देखिए, विजय नायर आम आदमी पार्टी के करीबी है, ये जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसमें एक बड़ा रीजन ये है कि जो मीडिया का पूरा मैनेजमेंट है वो देखते हैं कि किस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू कब होना है, क्या होना, ये सब वो तय करते हैं, विजय नायर तय करते हैं, और इसलिए कहा जा रहा था कि वो बहुत करीबी हैं। इसकी इनकी कंपनी का भी नाम उसमें बताया जा रहा है कि इनकी ये इस कंपनी के सीईओ थे, उसके बाद जुड़े आम आदमी पार्टी से, और खासकर जो पॉलिसी मेकिंग है, जो नई एक्साइज पॉलिसी बनी थी उस पॉलिसी को निर्धारित करने में इनकी भूमिका बताई जा रही है सीबीआई के आरोप के मुताबिक। विजय नायर पंजाब चुनाव में हमने बहुत करीब से देखा, उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जो स्ट्रैटेजीज बनती है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहती है। ठीक है, जैसे ही कुछ और अपडेट आता है भास्कर, हम आपके पास फिर से लौटेंगे, फिर जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल आपका, अतुल भाटिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।